आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, ठीक है, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है या नहीं, ये हमको सिद्ध करके बता देना। कोई दिक्कत नहीं, पहले कहा था त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक त्रिभुज का निर्माण कर लूँगा। तो मैंने त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। तो यहाँ पे लिखते हैं पी, ये रहा क्यू और ये रहा आर, मैंने पी क्यू आर त्रिभुज का नाम रख दिया। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है, मतलब पी आर पर एस और क्यू आर पर टी बिंदु स्थित है। तो पी आर क्या है, पी आर ये बिंदु है और इस पर जो स्थित है एस, और क्यू आर पे देख लीजिए क्यू आर पे टी बिंदु स्थित है, तो यहाँ पे हम टी स्थित कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे इन दोनों बिंदु को। अब आगे बढ़ते हैं, स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, मतलब कोण जो पी है वो बराबर है कोण आर टी एस के। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही कोण पी है तो बराबर होगा यहाँ पे कोण टी के, यहाँ बीच वाला वर्ड हम लेते हैं, ठीक है, बीच में जो रहेगा वर्ड कोण में वो हम लेते हैं, तो कोण पी होगा कोण टी के बराबर। तो ये कोण पी है बराबर कोण टी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दर्शाइए कि ये हमें सिद्ध करके बता देना है। लिखेंगे सबसे पहले हल, अब यहाँ पे लिखते हैं दिया है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है क्या दे रखा है भाई हमको, तो दे रखा है कोण पी बराबर कोण आर टी एस हमको दे रखा है, क्लियर, तो ये दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज आर, ठीक है, आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये हमको सिद्ध करके बता देना है। चलिए अब हम लिखते हैं क्या प्रमाण, प्रमाण, और चलिए हम चलते हैं, इसमें दो त्रिभुज नज़र आएगा, एक त्रिभुज नज़र आएगा आर पी क्यू, या कोई भी बदल सकते हैं, पी क्यू आर कह सकते हैं या आर क्यू पी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, आर क्यू पी, और एक त्रिभुज नज़र आर टी एस, ये नज़र आएगा। तो हम लिखते हैं प्रमाण, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज क्या आर टी एस में, इसमें हम चल रहे हैं, तो जो हमको दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज में ये जो कोण पी है, इसमें दो त्रिभुज, एक छोटा एक बड़ा है, तो कोण पी कोण टी के बराबर है, तो हम लिखते हैं कोण पी जो है वो कोण टी के बराबर है, ये हमको दे रखा है, दिया है, क्या है, दिया है, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इन दोनों त्रिभुज में हमें कॉमन क्या रहा है दोनों में, तो कोण आर कॉमन आ रहा है, देख लीजिए आर क्यू पी या पी क्यू आर कहो, ठीक है, तो आर आ रहा है, और छोटे वाले त्रिभुज में देखो एस टी आर कहो या आर टी एस कहो, यानी दोनों त्रिभुज में आर आ रहा है, तो ये आर कॉमन हो जाएगा। यहाँ से भी पता कर सकते, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, तो आर कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, कोण आर और बराबर कोण आर दोनों में है, दोनों त्रिभुज है कि ये छोटा वाला में बड़ा वाला में, कोण आर कोण आर, ये उभयनिष्ठ से बराबर हुआ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो बताइए जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है, कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लेते दो त्रिभुज है, यहाँ पे एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, मान लेते हैं ये है 60 डिग्री ये कोण और ये है 30 डिग्री, ठीक है, तो इस त्रिभुज में ये भी 60 डिग्री और ये भी कोण 30 डिग्री, ठीक है, तो दोनों कोण में देखिए ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, इसका मतलब तीसरा ऑटोमेटिक कोण बराबर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री, तो 60 और 30 कितना हुआ 90, और बाकी जो बचा था ये कोण हो गया 90 डिग्री, इसमें भी हो गया ये कोण 90 डिग्री, मतलब जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण क्या होता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कोण 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 के मदद से, कौन कौन से, क्योंकि एंगल एंगल, ठीक है, तो कौन कौन से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए, त्रिभुज आर पी, ठीक है, आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी
एस, ठीक है, प्रूव डैट लिख दो, प्रूव डैट यह सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।